उत्तराखंड के हल्द्वानी में अधिकारियों द्वारा मदरसे को ध्वस्त किए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया और वाहनों में आग लगा दी। इसके बदले पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अधिकारियों के मुताबिक नगर निगम अधिकारियों द्वारा मदरसा ध्वस्त किए जाने के बाद हल्द्वानी में ये हिंसा भड़की। और अब हम आपको बताते हैं पूरी टाइमलाइन और पूरा घटनाक्रम इस पूरे मामले का। बनभूलपुरा के इंदिरानगर क्षेत्र में जहां मलिक के बगीचे में बने अवैध मदरसे और नमाज स्थल को नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया और इस दौरान मौके पर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मलिक के बगीचे के आसपास रहने वाले तमाम कथित अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन के ऊपर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और इस दौरान वहां मौजूद कई पत्रकारों को भी इसमें चोट आई। वहीं देर रात को ही आपको बता दें मुख्यमंत्री धामी को अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ी और उसके बाद कड़े आदेश उन्होंने जारी कर दिए। पूरे जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी, वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि मदरसा और नमाज स्थल पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने बताया कि इस स्थल के पास स्थित 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में ही कब्जा ले लिया था और अवैध मदरसे और नमाज स्थल को सील कर दिया, जिसे ध्वस्त किया गया। वहीं लोग इकट्ठा हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया, प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहे। वहीं नैनीताल के जिला अधिकारी ने फोन पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अशांति वाले क्षेत्र बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया है और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। अराजक तत्वों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर उन पर हल्का बल प्रयोग किया और इस दौरान नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा की अगुवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि ध्वस्त किया गया मदरसा और नमाज स्थल पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने बताया कि इस स्थल के पास स्थित 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में ही कब्जा ले लिया था और अवैध मदरसे और नमाज स्थल को सील कर दिया था, जिसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई।